हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकिता ठाकुर. आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट. कोविड-19 की सेकेंड वेव के साथ हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं. हर फैमिली में किसी ने अपने को खोया है और मोस्टली फैमिली में सब कोविड पॉजिटिव रिकवर भी हैं. कोविड-19 होने के बाद आपके लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस कम हो जाता है. सो आज हम इस फिजियोथेरेपी की मदद से हम बताएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और आगे रिहैबिलिटेशन में वो आपको फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करेगा. फर्स्ट एक्सरसाइज है पर्स स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. पर्स स्लिप एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आपको ब्रीथ इन लेना है नोज के थ्रू और एक्सहेल करना है माउथ के थ्रू. बट एक्सहेल करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे पाउट करते हुए या फिर सीटी बजाते हुए जो पोजिशन होती है लिप्स को क्लोज करते हुए वैसी लेनी है. देखिए, अगेन सेकेंड एक्सरसाइज है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है, डायफ्राम मसल जो है सबसे प्राइमरी मसल होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए. इस पोजीशन के लिए हमें दो, आप अगर पेशेंट लेटा है तो भी हो सकता है और अगर सेटिंग पोजीशन में है तो भी हो सकता है. इसके लिए आपको क्या करना है, आपका वन हैंड जो है बेली पे रखना है एंड सेकेंड हैंड जो है चेस्ट पे रखना है. आपको इनहेल करते वक्त देखना है, ये महसूस करना है कि आप जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो वो एक पुश करें. थर्ड है प्रोन पोजीशन. प्रोन वेंटिलेशन का पोजीशन का तात्पर्य यह है कि जब हमारे लंग्स है हमारे, उसकी पोजीशन होती है कि प्रोन उल्टे पोजीशन में पेट के बल लेटने पर ही मैक्सिमम ऑक्सीजन जाता है. तो जो पेशेंट अगर एक्सरसाइजेस करने में असमर्थ है वो क्या कर सकते हैं, पिलो को अपने चेस्ट में बेली पे एक पोजिशन पे लेटा लें, ऐसा करें और उसके बाद आप इनहेल करिए. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस. थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस में जो चेस्ट की मसल्स है और जो अपर शोल्डर की मसल है उसको एक्सटेंशन करते हुए आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाना है. इसके लिए आपको दोनों शोल्डर को रिलैक्स करते हुए अपने सर के पीछे रखना है. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है स्ट्रॉ एक्सरसाइजेस. स्ट्रॉ एक्सरसाइजेस में क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास में आपको पानी भरना है, स्ट्रॉ पे नोज से इनहेल करना है और स्ट्रॉ से बबल करते हुए उसको फूंकना है ऐसे. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है बैलून एक्सरसाइज है विच इज सिमिलर टू द स्ट्रॉ एक्सरसाइज. इसमें आपको नोज से इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त में बैलून पे बैलून को फुलाना है. होप दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू पीपल. और अगर आपको एक्सरसाइज करने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप अपने तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें. एक्सरसाइज बहुत एक्सर्ट करके ना करें, थोड़ा 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 करके हर ड्यूरेशन पे करें. दिन में 3 बार कर सकते हैं आप. और आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप अपने फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें.